पे फोन करेगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे, ये हमारा पति है। आप रो रही हैं? हाँ रो रहे हैं। हम जहाँ भी मिलेगा, जो भैया जो बहन के मिलेगा वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे। नंबर भी डेल दिए, याद आ रही है आपको? हाँ, चार बच्चे है, छोटे छोटे बच्चे है, कैसे की होगा ना होगा, हमको बहुत ही ये टेंशन है। नंबर आप बता दीजिए, क्या नंबर है? नंबर यहाँ दे दीजिए, इस नंबर ले, 480 वाला लास्ट में नंबर इनका है, 9622853480। ये किस आपका नंबर है? मेरा नंबर है। तो मेरे साथ एक परिवार मौजूद है और इनको आपकी मदद की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप इन लोगों की मदद ज़रूर करेंगे। एक शख्स है जिनकी तस्वीर हाथों में ले हुई है, पूरा परिवार खड़ा हुआ है। क्या हुआ है और आप क्यों यहाँ पर आए हैं, परेशानी क्या है? परेशानी है यहाँ पर, हम घर से विष्णु माता तीर्थ करने के लिए आए हैं यहाँ भी। हम भी सोचे हैं, हमारा पति भी सोचे हैं कि 10 रोज दिहाड़ी लगा लेंगे तो हम तीर्थ करके चले जाएंगे घर। वो दिहाड़ी लगाने लिए गए हैं, वो दिहाड़ी लगाने लिए गए हैं, आपस घर ना आए, वहीं से किधर चले गया ना चले गया, अभी तक से ना उसको पता है। हम जहाँ भी जाते हैं ये तस्वीर भी दिखाते हैं, चाहे बहन भी भेड़ रहता है कि भैया भी भेड़ रहता है कि मम्मी भी भेड़ रहता है, जिसका भी पूछते हैं कि तस्वीर में दिखाते हैं कि बंदा को देखे हैं, कोई नहीं बोल रहा है कि बंदा के हम देखे हैं। बहुत बहुत दूर तक से हम ढूंढे हैं, अभी तक से कहीं भी पता हमको ना चला है। तो आपको क्या बोल कर गए थे? दिहाड़ी लगाने? हाँ, दिहाड़ी लगाने लिए गए थे। हमारा से झगड़ा झंझट कुछ भी ना हुआ है, वो दिहाड़ी लगाने लिए गए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? चार बच्चे हैं, दो लड़की है, दो लड़का है। क्या रिश्ता क्या आपका इनके साथ? रिश्ता ही हमारा पति है। आपके पति? हाँ, हमारा पति है। तो ये तस्वीर है, इनका नाम क्या है? चमरू पासवान नाम है। हाँ, आप मुझे बताइए कि आखिरी बार कहाँ देखा गया था, क्या मुलाकात हुई? ये देखो जी, ये हमको बुलाया वैष्णो माता जाने के लिए बच्चे ने हमारा, जैसे ये लोग पहले आया, हम पीछे से घर से आया कि चलो वैष्णो माता, अब दशहरा आ गया है, वैष्णो माता जाना है। वहाँ से घर से निकला, 2 रोज के बाद ये देखे कि आदमी है, हम रहते हैं दूसरे क्वार्टर में, दूसरे जगह, बच्चे के साथ हम कैसे ये क्वार्टर में रहेंगे, हम दूसरे जगह थे। वो गया दिहाड़ी कोई मिस्त्री के साथ में, अररिया डिस्ट्रिक्ट का है मिस्त्री, वो मिस्त्री के साथ में गया गौशाला रोड काम करने के लिए, मालक के यहाँ, मालक के यहाँ गया तो पूरे पहले तो ताल नहीं लग रहा था कि किसका साथ गया, बाद में साथ ताल लगा के नहीं, 4 रोज के बाद वो बंदे के साथ गया था दिहाड़ी, वो बंदा के लेकर के गया जिसका पास दिहाड़ी कर रहा था उसका पास गया। वो मालक ने कहता है बाबा देखो दिहाड़ी तो आया था ठीक सही में, नहीं वो लड़का वो रुका नहीं, पर उसको दिहाड़ी पूर्ति हो गया 5 बजे के बाद ना, उस 5:30 बजे के बाद वो निकल गया। उसको बोला कि भैया पैसा ले लो फिर जाना तुम। कितने दिन हो गए आखिरी बार कब देखा? डेढ़ महीना हो गया उसको खोने का। जैसे बाद में वहाँ से आया, मिस्त्री का फ़ोन नंबर दिया था मिस्त्री, पैसा दिया लेबर कोर्ट में, लेबर अड्डा में आकर के पैसा दिया दिहाड़ी वो बेचारा। पैसा देने के बाद 3-4 रोज जब खोजने लगा ना, नहीं मिलने लगा, तैसे बाद रिपोर्ट दिया पुलिस थाने में, पुलिस थाने में रिपोर्ट दिया, पुलिस वाले को भी सब कागज पत्र जैसे जैसे मांगा हम लोग, सब वैसा वैसा करे, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं लगता है, कोई पते नहीं लगता है कहाँ गया बंदे। आपसे क्या कहा था जब? हमसे कहा कि नहीं मैं अड्डे गया, वो अड्डे से मतलब कहाँ दिहाड़ी गया नहीं गया, दिहाड़ी जब लगाने गया तो 5 बजे का टाइम जब वो छुट्टी हुआ, छुट्टी होने के बाद मतलब वो अपना रूम वापस नहीं आया, तो हम लोग उसी दिन से मतलब ढूंढ रहे हैं 8 बजे रात तक, उसका आस देखे कि नहीं आप कहीं गया होगा तो आएगा, लेकिन 8 बजे रात तक फोन है उनके पास, फ़ोन वोन नहीं है उनके पास, कुछ नहीं, मोबाइल वोबाइल कुछ नहीं है, तो वो मतलब 8 बजे के बाद जब हम आस उसका देख लिए नहीं आया, तो फिर हम रूम खोजने के लिए गए कि किसका साथ में दिहाड़ी गया, तो कोई नहीं बोला कि हमारा साथ में दिहाड़ी गया। फिर हम सुबह ही मतलब पूरे घूम गए ढूंढने के लिए लग गए, हम भी गए ये भी गया ये भी गया, और सब गांव समाज का आदमी था पूरे, मतलब विजयपुर तक गए, बड़ी ब्राह्मणी गए, विश्वनाथ गए, गंग्याल गए, इधर मतलब कहाँ कहाँ बहुत दूर दूर मतलब हम लोग ढूँढे, अभी तक मतलब नहीं मिला। नहीं मिलने का कारण हम लोग पुलिस चौकी गए, वहाँ रिपोर्ट दिलवाए, रिपोर्ट दे करके फिर उन लोग बोला कि तुम लोग भी ढूंढो, हम लोग भी ढूंढे, तब उसके बाद फिर 2 दिन के बाद गए तो फिर मशीन में भी डलवा दिए,
फिर भी मतलब पुलिस वाला के तुम लोग भी ढूंढो, हम लोग भी मतलब पता लगाते हैं कहाँ मिलता है। उसी दिन से हम लोग मतलब पता लगाते हैं तो अभी तक हम लोगों को नहीं मिला। तो कल कहीं गए थे तो कोई हम लोगों को बोला कि नहीं मीडिया वाले के पास जाओ, कुछ मदद मिल जाए तो लोग मदद कर सकता है, तो वहाँ मीडिया वाले के पास छोड़ दो तो दूर दूर वीडियो फिर जाएगा तो मीडिया वाला मतलब ढूंढ निकालेगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ तक मतलब आपके भाई आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारा भाई अगर आधार कार्ड किसका? आधार कार्ड उसी का है, चमारू पासवान का। तो हमारा भाई अगर मुझे कहीं देखे या कोई वीडियो में देखे तो वो मुझे मतलब नंबर दिया हुआ है अपना, मतलब हमको कॉल करे, हम जाके वहाँ से ला करके जहाँ भी मिलेगा ये नंबर दे दिए हैं, जहाँ मिलेगा जो भी नंबर में फोन करेगा वहाँ हम पहुँच जाएंगे। ये हमारा पति है, रो रहे हैं। हाँ रो रहे हैं हम जहाँ भी मिलेगा जो भैया जो बहन के मिलेगा वहाँ भी हम पहुँच जाएंगे, नंबर भी डेल दिए। याद आ रही है आपको? हाँ, चार बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे की होगा ना होगा, हमको बहुत ही ये टेंशन है। नंबर आप बता दीजिए, क्या नंबर है? नंबर यहाँ दे दी, इस नंबर ले, 480 वाला लास्ट में नंबर इनका है, 9622853480। ये किस आपका नंबर है? मेरा नंबर है। तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं अगर आपको कहीं पर भी ये दिखते हैं। एक बार फिर से ये तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये आपको कहीं पर भी जम्मू में या कहीं पर भी, चाहे जम्मू से बाहर भी अगर आपको कहीं दिखते हैं तो आप इस नंबर पर ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इस परिवार की मदद कीजिए। दर बदर भटक रहे हैं, एक महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक उम्मीद यही है कि इनके जो परिवार के शख्स हैं वो इनको ज़रूर मिलेंगे, और जो इनकी धर्मपत्नी है उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। कुछ कहना चाहेंगे अपने पति से अगर देख रहे हैं? कुछ कहना दे, पति हमको मिल जाएगा जी, भैया बहन के मिलेगा, ये नंबर में फ़ोन करना, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। हम पति भी डेढ़ महीना लेके छपते छपते हम बहुत परेशान हो गए हैं, ठंडे मौसम है, घर से हम बाहर में रहते हैं, ये पति के लेके, हमारा पति आज मिलेगा हम कल ठंडे से हम घर चले जाएंगे, लेकिन यही पति लेके हम यहाँ पर बाहर में रहते हैं। देखिए साफ तौर पर ये पूरा परिवार है और आप इनकी मदद ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक कॉल, जहाँ पर भी आपको ये शख्स दिखते हैं आपकी एक कॉल, ये वहाँ पर पहुँच जाएंगे और हो सकता है आपकी वजह से इनकी मुलाकात उनसे हो जाए और वो घर वापस जल्दी आ जाए। आप ये हमारे साथ बने देखते हुए सुजम सुहान के बोलते हैं।